नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीराम बगिया। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज लेकर आया हूं मैं क्या, अनुपात और समानुपात। और अनुपात समानुपात के अंदर देखेंगे दोस्तों अपन कौन से सिक्के वाले क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सिक्के वाले प्रश्न। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर सिक्के वाले क्वेश्चन करवा दो अनुपात समानुपात के अंदर, तो दोस्तों आज मैं करवा रहा हूँ कौन से सिक्के वाले। दोस्तों मेरा वीडियो शुरू से लगाकर अंत तक देखना, आपकी जो सिक्के वाले क्वेश्चनों की जो प्रॉब्लम थी वो दोस्तों सभी की दूर हो जाएगी। समझ में आया? चलो दोस्तों तो बात करते हैं। सबसे पहले सिक्के, तो सिक्के दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कौन कौन से, एक रुपये का, दो रुपये का, पांच रुपये का, दस रुपये का, ये तो सबने देखा। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ बच्चे या कुछ कुछ स्टूडेंट क्या है दोस्तों की जो 50 पैसे का सिक्का था और एक कितना 25 पैसे का सिक्का, तो वो नहीं देखे होंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या दोस्तों उन पे प्रश्न आ रहा है, किस पे, 25 पैसे और कौन से 50 पैसे और एक रुपये के ऊपर आ रहा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप देखते रहो, पता चल जाएगा कैसे क्या हो रहा। चल गया? चलो दोस्तों आइए बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर पहला लिया मैंने इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया दोस्तों, इधर ध्यान देना। एक थैली में क्या दोस्तों, एक थैली में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, नोट, एक थैली में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन, यदि थैले में कुल धन कितना 1000 रुपये है, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब दोस्तों यहाँ पर अपने को एक थैला दिया है, उस थैले में क्या है दोस्तों, 1000 रुपये धन है, तो उसमें कितने कितने के नोट डले हुए हैं दोस्तों, 20 रुपये के और 10 रुपये और 5 रुपये। तो अपने को वहां से देखना है उस थैले में कि 5 रुपये नोटों की संख्या कितनी होगी, ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, चलो देखो यार कितना 20 रुपये अनुपात ये कितना 10 रुपये और ये कितना 5 रुपये। समझ में आया? तो ये तो क्या नोट है दोस्तों, इतना एक तो 20 रुपये का नोट है, 10 रुपये और 5 रुपये। अब दोस्तों नोटों का अनुपात क्या करेगा दोस्तों, ध्यान देना, 3:4:5 ये क्या दोस्तों नोटों का अनुपात। क्लियर है? तो दोस्तों आइए बात करो कुल धन कितना दोस्तों, 1000 रुपये। ये क्या है कुल धन, समझ में आया? तो देखो क्या करेंगे अपन, ये रुपये और ये नोट, तो अगर दोस्तों इसको अपन क्या रुपये में कन्वर्ट कर लेते, इसमें रुपये में, तो देखो कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणा करो दोस्तों, मतलब 20 रुपये का एक नोट का अनुपात में देखो तीन नोटों की कितना जाएगा दोस्तों, 60 रुपये। जैसे दोस्तों अगर 20 रुपये का एक नोट तीन नोटों कितने पैसे बन जाएंगे, 60 रुपये ये अनुपात में। तो इधर ध्यान देना दोस्तों कितना, 10 रुपये का एक नोट चार नोटों कितने पैसे बन जाएंगे, 40 रुपये बन जाएंगे। सुनिए अब इधर ध्यान देना दोस्तों, 5 रुपये का एक नोट तो 5 नोट की मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों ये टाइम है अनुपात की हो रही है हकीकत में, तो अनुपात का डाटा और हकीकत का डाटा बराबर करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इन सभी का कुल कितना, ये है कि नहीं, तो देखो इन सबको जोड़ लो कितना क्या, 60 और 40 100 100 और 125, मतलब कितना 125 रुपये किसके बराबर आएगा दोस्तों, 1000 के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 रुपये का मान निकालेंगे दोस्तों, 1 रुपये तो देखो कैसे आ गया, 1000/125। अब दोस्तों बट रहे थे काट लो किससे, काट रहे 25 से, 25 × 125, 25 × 100 और 0, फिर 15 × 40, मतलब एक का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 8। समझ में? अब अपने को क्या पूछा दोस्तों, एक नोट का मान कितना 8, तो अपने पूछा है क्या पूछा है कि 5 रुपये नोटों की संख्या कितनी है, तो क्या 5 रुपये नोट कितने 5 अनुपात में, तो 5 गुणे क्या कर देंगे 8, ये कितने नोट निकलेंगे 5 रुपये के। तो देखो 40, तो कितने नोट है दोस्तों, 40 नोट है, किसके 5 रुपये कितने नोट निकले 40, तो अपना आंसर कौन सा हो गया 40। समझ में आया दोस्तों किसी क्या सोल्व करा, देखो आइए एक बार फिर देखते हैं। ऐसा था क्वेश्चन 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये, अब ये अनुपात में कितना देगा, 3:4:5 और 5:5 में। तो मैंने क्या, अपन ने क्या किया दोस्तों कि जो 20 रुपये के नोट है वो तीन नोट है, कितने रुपए बन जाएंगे 60 रुपये। अब 10 रुपये के चार नोट है कितने बन गए 40 रुपये, और 5 रुपये के पांच नोट है कितने दोस्तों 25 रुपये।
अब कुल घर कितना दिया 1000 तो अपन इन सबका कुल करा अनुपात कितना 125 किसके बराबर हो गया 1000 के बराबर तो 1 का मान कितना है दोस्तों 8 1 का मान कितना 8 अब अपने पूछ जब 1 का मान 8 आ गया तो अपने किसको पूछो ₹5 तो ₹5 का अनुपात कितना है 5 तो 5 * 8 में कितना डिफरेंस है 40 तो कितने नोट निकल गए 40 समझ में आया। आइए दोस्तों अपन बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। आइए दोस्तों ये मैंने कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा लिया है देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। एक थैली में ₹1 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के। क्या दोस्तों एक थैली में किसके ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं समझ में आया। अब 2:3:4 के अनुपात में है दोस्तों सिक्के किस अनुपात में है 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य तथा इनका कुल मूल्य कितना है दोस्तों ₹180 है तो कुल मूल्य कितना है ₹180 है तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है मतलब अपने को क्या पूछा है 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखो यार दोस्तों ध्यान देना कितना ₹1 फिर अनुपात 50 पैसे फिर अनुपात 25 पैसे इस सिक्के का अनुपात है दोस्तों। अब ध्यान देना जो मूल्य दोस्तों कितना है अनुपात में 2:3:4 तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना ये क्या है सिक्के का अनुपात क्लियर है तो समझो अपने को मूल्य किसमें दिया दोस्तों यहां पर ₹180 भी दिया कितने कितना दिया दोस्तों कुल धन 180 है ये किसमें है रुपये में जब ये रुपये में है दोस्तों तो अपने को जो अनुपात है ना दोस्तों इसको रुपये में कन्वर्ट करना रहता है क्या करना रहता है दोस्तों रुपये में अगर ये सिक्कों में रहे तो इसको सिक्के में कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। फिलहाल क्या दोस्तों ये रुपये में है इसको अपन रुपये में बनाएंगे जैसे बात करते हैं अपन इधर ध्यान देना ये ₹1 की कितने नोट है कितने सिक्के दोस्तों दो तो कितने रुपये बन जाएंगे ₹2 बन गए। जब ₹1 का कितने नोट है दोस्तों कितने सिक्के हैं दो सिक्के तो दो सिक्के मतलब ₹2। अब बात करते दोस्तों इधर ध्यान देना अब 50 पैसे के तीन सिक्के हैं दोस्तों कितने 50 पैसे के तीन सिक्के हैं तो तीन सिक्के मूल्य में कितने मतलब रुपये में कन्वर्ट कितने हो जाएंगे दोस्तों ₹1.50 जैसे दो सिक्के का ₹1 फिर आधा एक सिक्का फिर बचा दोस्तों 50 पैसे मतलब कितना ₹1.50 मतलब कितना 1.50 इसको ₹1.50 बोलेंगे। अब दोस्तों ध्यान देना यहां पे 25 पैसे के चार सिक्के अपने पास तो दो सिक्के कितने बन जाएंगे 50 पैसे और चार से कितना ₹1 समझ में आया। तो क्या करें दोस्तों 25 पैसे कितने सिक्के अपने पास चार में कितना बन गया दोस्तों ₹1 समझ में आया दोस्तों ₹1 कैसे बना 25 पैसे के चार सिक्के तो समझ में आया तो चार सिक्के मिलकर कितने बन जाएंगे दोस्तों 25 ऐसे से करके कितना ₹1 बन जाएगा और ये कितने 50 पैसे के तीन सिक्के बन गए ₹1.50 बन गया क्लियर है। तो अपन क्या करें दोस्तों ये अपन ने किसका अनुपात निकाल लिया रुपये का और हकीकत में भी रुपये है तो दोस्तों इनको कुल कर लो कितना हो गया जोड़ लो 2 और 1 3 3 और 1 1 कितना 4.5 मतलब कितना 4.5 रुपये किसके बराबर है 180 के बराबर समझ में आया। तो यहाँ से अपन एक के मान निकाल सकते हैं कैसे निकालें दोस्तों देखो ध्यान देना 180/4.5 हो गया। अब देखो दोस्तों पॉइंट है तो कितने जीरो दो जोड़ जीरो लग जाएंगे ये जीरो से जीरो कट गए। अब ध्यान दें मैट्रिक्स के काट दो किससे काटेंगे 9 से 9 दूने की 18 और ये दो जीरो 9 5 45 फिर 5 से कट रही 5 × 20 मतलब कितना है दोस्तों 40 एक का मान कितना है दोस्तों 40। अब अपने पूछा क्या हो ध्यान देना क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है मतलब क्या ज्ञात करना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो अनुपात में देखो 50 पैसे कितने दोस्तों यहां पे 3 तो गुणा करो दोस्तों कितना 3 गुणित कितना आ गया 40 तो कितना आ गया दोस्तों यहां पे 3 × 12 सिक्के मतलब 120 सिक्के ये किसके आ गए दोस्तों 50 पैसे तो ये अपने को पूछा था दोस्तों तो क्या आंसर आएगा उसका 120 ये अपना क्वेश्चन मतलब ऑप्शन थर्ड है समझ में आया दोस्तों कैसे क्या सॉल्व करा। देखो दोस्तों एक बार फिर बताता हूँ मैं ₹1 50 पैसे और 25 पैसे ये अनुपात दिया था मतलब ये सिक्कों में दिया था और इनका अनुपात सिक्कों में कितना दिया 2 3 और 4
तो अपन इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, रुपये में कन्वर्ट कर दिया। तो रुपये में कन्वर्ट कर दिया, एक रुपए के दो सिक्के तो 2 रुपया, 50 पैसे के 3 सिक्के तो 1.5 रुपया, और 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपया। तो जोड़ो कितना रुपए हो गए, 4.5 रुपए हो गए। 4.5 रुपए किसके बराबर है, 80 के बराबर। तो एक किसका बराबर, 40 के बराबर। एक किसके बराबर, 40। तो अपने पूछे कितने, 50 पैसे के, 50 पैसे के 3 × 4 = 12, मतलब 120 सिक्के आ गए दोस्तों किसके, 50 पैसे। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों अगर आपको समझ में आया दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना दोस्तों। चलो आइए बात करते हैं अपन कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों। देखो दोस्तों ये अपन ने कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इसको अच्छे से पढ़ो। किसी थैले में क्या, किसी थैले में 90 रुपए की राशि, कितने दोस्तों, किसी थैले में 90 रुपए की राशि, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। मतलब एक थैले में दोस्तों कितने 90 रुपए है, रुपए में कितने 90 रुपए, और 90 रुपए के सिक्के कितने दोस्तों, उसके सिक्के के अंदर दोस्तों एक तो 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना दे रखा दोस्तों, 2:3:5 हो, तो थैले में 25 पैसे सिक्के कितने हैं। तो सेम टू सेम ऐसे करना दोस्तों, इधर ध्यान देना। देखो 50 पैसे, फिर ध्यान देना कितना 25 पैसे और कितना 10 पैसे, क्लियर है? तो देखो ये अनुपात दिया है, अब इनका अनुपात कितना दिया है, 2:3:5। तो देखो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, सिक्के। तो अपन क्या है इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अपने पास टोटल धन कितना है, 90 रुपए। ये यही है दोस्तों कुल, सोच समझो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो दोस्तों कितने रुपए बन जाएंगे, 1 रुपया, समझ में आए। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना बन जाएगा, 75 पैसे बन जाएंगे दोस्तों, कितना है 75 पैसे। तो रुपये में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 0.75 रुपये, समझ में आया। अब ये दोस्तों कितना, 10 पैसे के सिक्के कितने, 5 रुपए, कितने बन जाएंगे दोस्तों 50 पैसे, मतलब 0.50 रुपये। रुपये में कितना है दोस्तों, मतलब 8 आना बन गए ये, समझ में आया। तो रुपये में सबको कन्वर्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो टोटल कितना रुपया है, इन सबको ऐड कर लो दोस्तों, जोड़ कितना 1 रुपया और ये 75 पैसा, फिर ये 50 पैसा, इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 रुपया 25 पैसा, कितना 2 रुपया 25 पैसा, मतलब ये रुपये में हो गया 2 रुपया 25 पैसा। तो ये किसके बराबर है, 90 के बराबर। यहाँ से एक कॉमन निकाल सकते हो दोस्तों, तो एक कॉमन किस निकालेंगे, 90 बटे कितना 2.25, पॉइंट हटाओ दोस्तों ऊपर कितने 2 जीरो लग जाएंगे, पॉइंट के बाद दो तो पर 2 जीरो। अब दोस्तों एक अट्रेशन किससे, देखो 9 से काट दीजिए, 9 × 9 = 9, 9 × 2 = 18, कितना बच गया 4 × 9 = 45। अब देखो दोस्तों 25 × 25 = 100, मतलब एक का मान कितना आ गया दोस्तों अपने पास 40, समझ में, एक का मान कितना आ गया 40। अब अपने को पूछा गया दोस्तों का ध्यान देना, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दोस्तों, 3 है अनुपात, कितना है 3, तो क्या करेंगे 3 × 40, तो कितना दोस्तों 4 × 3 = 12, कितना 120 सिक्के किसके निकले दोस्तों 25 पैसे के। समझ में आया दोस्तों, तो क्या अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 समझ में आया दोस्तों। बहुत सरल विधि से आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से पढ़ो, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन निकल जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अपन लेते क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों ये अपन ने कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ना दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन, एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, समझ में आया। अब 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से 2 गुना तथा 1 रुपये सिक्के की संख्या से 4 गुना है, इन सिक्कों का कुल धन कितना है दोस्तों, 56 रुपये है, तो
50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखो दोस्तों यहां पर कितना, 1 रुपया हो गया, फिर 50 पैसा और कितना 25 पैसे। ये अनुपात। अब यहां पर बोला दोस्तों अपने को क्या बोला कि 50 पैसे की सिक्के की संख्या 25 पैसे से कितने दोस्तों दुगना और 50 पैसे से कितने दोस्तों मतलब 1 रुपए से 4 गुना, मतलब 1 रुपए ये कितना 1 माने 30 का 4 गुना, समझ में आया। अब इसका ये दुगना, ये 2 तो ये इसका दुगना। देखो क्या कि क्या बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे सिक्कों की संख्या 25 पैसे सिक्कों की संख्या से दुगना, मतलब इसका दुगना 4 होगा तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुना, इसका 4 गुना हो गया। तो ये क्या रखा दोस्तों, ये बोल रहा था क्वेश्चन में कि अनुपात ऐसे फिट करना है, समझ में आया। अब बात करो दोस्तों ये तो क्या सिक्के हैं, अब अपने को जो कुल मूल्य किसमें क्या दोस्तों, कुल मूल्य रुपये में कितना 56 रुपये। तो अपन वापस इसको क्या बना लो दोस्तों, रुपये बना लो, क्या बनाते रुपये। देखो कैसे बनाएंगे, 1 रुपये का एक सिक्का कितना 1 रुपया बना, अब 50 पैसे के कितने 4 सिक्के कितने रुपये बन जाएंगे दोस्तों बताओ, कितने 2 रुपये बन जाएंगे। अब यहां पर 25 पैसे के 2 सिक्के कितना बन गए दोस्तों 8 आना, मतलब कितना 0.5। सो ये अब इन सबको ऐड कर लो दोस्तों, कितना हुआ जोड़ो तो 1 3 और ये 3.5 कितना हो गया 3.50 रुपए, एक इसके बराबर 56 के बराबर, समझ गया। तो अपन बात क्या याद करते यहां पे एक का मान कितने से 56 बटे कितना 3.50, पॉइंटर के ऊपर 2 0, समझ गया। एक जो से 0 कट गया, अब सही में इससे कट गया दोस्तों 7 से 7 5 35 7 8 56। अब देखो दोस्तों 5 कट रहे, 5 एकम 5 कितना बच गया 3 5 6 30, मतलब एक का मान कितना है दोस्तों अपने पास 16। एक का मान 16 है तो अपने को पूछा किसका दोस्तों, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहां पर ध्यान देना ये दोस्तों कितना 4, 50 पैसे के बराबर दोस्तों, हां 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्के अनुपात कितनी 4, तो 4 गुणे कितना कर देंगे 16, तो 16 चौके कितना है दोस्तों 64, कितना है दोस्तों 64 सिक्के। किसको पूछा 50 पैसे, तो अपना आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ये बेस्ट। समझ में आया दोस्तों, है ना दोस्तों इजी, क्लियर हो रहा आपको दोस्तों। क्वेश्चन यहां से पकड़ना है कि अपने को उसका कुल मूल्य किस में दिया दोस्तों, सिक्के में दिया तो सिक्के में बनाएंगे दोस्तों, और रुपये में दिया तो किससे बनाएंगे, रुपये में, क्लियर है। अब बात करते दोस्तों फिर कौन सा क्वेश्चन नंबर, अगला लेते क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों ये अपन कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का ध्यान से पढ़ना दोस्तों क्या बोल रहा है। देखो एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे वो 25 पैसे के कुल सिक्के कितने 340। अब दोस्तों 340 ही क्या है दोस्तों, सिक्के ध्यान देना, 340 ही क्या है दोस्तों सिक्के, कुल सिक्के कितने दोस्तों 340। पहले दोस्तों रुपया था, अब क्या दे रखा है सिक्के दे रखा है। अब देखो 1 रुपये 50 पैसे और कितना 25 पैसे, अब इनका मूल्य का अनुपात दिया दोस्तों, किसका मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात क्या दिया है 5 और 4 और कितना 1, ये किसका दोस्तों मूल्य का अनुपात दिया है दोस्तों, ध्यान रखना। अब अपन क्या करते हैं हर बार दोस्तों सिक्के से अपन मूल्य बना देते हैं, अब मूल्य से क्या बनाएंगे दोस्तों सिक्के बनाएंगे, क्या करेंगे मूल्य से सिक्के बनाएंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों इधर ध्यान देना, तो 5 रुपये के जब 1 रुपये के कितने दोस्तों 5 सिक्के हैं, कितने मूल्य कितने 5 रुपये,
तो ₹5 कितने सिक्के बन जाएंगे दोस्तों, 5 सिक्के, ₹1 के एक सिक्का तो कितने 5 सिक्के के ₹5 के, ये क्लियर है, ठीक है, सिक्के बने कितने 5 सिक्के, अभी ध्यान देना। अब 50 पैसे कितने दोस्तों यहां पर, जो ₹4 है ना दोस्तों, तो ₹4 के कितने सिक्के बन जाएंगे दोस्तों, 50 50 के 8 सिक्के बन जाएंगे, जो ₹4 है दोस्तों, तो ₹4 के 50 50 पैसे कितने सिक्के बन जाएंगे दोस्तों, 8 बनेंगे कि बनेंगे, देखो ऐसा समझना, ₹2 के 50 50 कितने, मतलब ₹1 के दो सिक्के, जैसे अठाना और अठाना कितना ₹1 बन गया, तो अपने पास जैसे ₹4 दोस्तों, कितना ₹4 है, तो ₹4 की कितनी अठाना बन जाएगी, मैं 8 अठाना बन जाएगी कितनी 8, मतलब बात करते दोस्तों ये कितना 50 पैसा और ये 50 पैसा, इन दोनों जोड़ा तो ₹1 बना के मैंने, समझ में आया, मतलब दो सिक्के कितने, दो सिक्के, तो दो सिक्के कितने ₹1 बनेगा, तो ऐसे कैसे अपन बात करते हैं, यहाँ पर ₹1 फिर लिया तो फिर कितने 50 50, फिर ₹1 ये 50 ये 50, फिर ₹1 कितना 50 और ये 50, देखो दोस्तों कितने रुपए हो गए, ₹4 सिक्के कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 सिक्के, समझ में आया, नहीं तो दोस्तों ध्यान देना ₹1 में दो सिक्के तो दो का गुणा करो, समझ में आया, अब यहाँ पर ऐसे ही करो दोस्तों, ₹1 में कितने, ₹1 कितनी 25 पैसे से मिलके बना है दोस्तों, एक 25 पैसा कितना, एक सिक्का 25 पैसे का, तो दो सिक्के 50 पैसे के, तीन सिक्के 75 पैसे और चार सिक्के ₹1 का, तो यहां पर किसका गुणा करेंगे दोस्तों, 4 का गुणा करेंगे, चार सिक्के 25 25 के अंदर दोस्तों ₹1 बन जाता है, बनता क्या बनता, तो ये किस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, रुपये में, समझ में आया, अब ध्यान देना दोस्तों इधर, कर लो कितना 4 × 8 तो ये किसमें आ गया दोस्तों, सिक्के में आ गया, किसमें आ गए सिक्के, क्लियर है, अब सिक्के टोटल कितने 340 है, तो इनको जोड़ो दोस्तों कितना हो गया, ये जोड़ कितना 13 13 4 17, कितने सिक्के दोस्तों 17 सिक्के, इसके बराबर 340 है, तो एक का मान निकाल सकते हैं अपन 340/17, 17 × 34, मतलब एक सिक्के का कितना मान आ गया 20, एक का मान 20 आ गया, अब पूछा क्या दोस्तों अपने को, इन सिक्कों की क्रमशः क्या होगी संख्या, मतलब क्रमशः पूछा, मतलब इस 20 का गुणा दोस्तों यहां पर अपन कर देंगे, देखो ये 20 ये 20 ये 20, एक का मान कितना है 20, तो गुणा कर दो 20 से 5 100 20 जो 80 नहीं 20 जो 80 दोस्तों 8 × 16 मतलब 160 और कितना 20 × 80, तो क्या आ गया दोस्तों कर्मा सर 100 160 और 80, तो देखो दोस्तों यहां पर है क्या कौन सा 100 160 80, ये सेकंड ऑप्शन मिल गया दोस्तों, समझ में आया दोस्तों कैसे आप मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, अब दोस्तों बात करते हैं कि ये सिक्के वाले क्वेश्चन जिस तरह से मैंने ये कांसेप्ट बताया दोस्तों, अगर आप इसी के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो दोस्तों, तो आपके जो बच्चे क्वेश्चन दोस्तों वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ गया दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और दोस्तों आप लोग मेरा एक इतना काम कर सकते हो, अगर आपको वास्तविक अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना और मैं आपसे लाइव में बात करना चाहता हूँ दोस्तों, क्या ये फिलहाल दोस्तों ऑफलाइन क्लास है, तो ऑफलाइन क्लास में आप लोग अपने डाउट पूछ नहीं सकते दोस्तों, अगर आप मेरे से वास्तविक पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो दोस्तों, तो वहां से अगर अपने सब्सक्राइबर बढ़ते दोस्तों, तो अपनी क्लास में लाइव आ सकते दोस्तों, क्या सकते लाइव क्लास, उस लाइव क्लास में क्या रहेगा दोस्तों कि आप लोगों का डाउट जो भी रहेगा दोस्तों अपने हैंड टू हैंड उसको सॉल्व कर सकते दोस्तों, समझ में आ गया, तो अगर वास्तविक आप पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, मेरा इतना काम कर देना दोस्तों, क्या करोगे पहला काम करना दोस्तों, अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और शेयर करने से दोस्तों करने से अपने सब्सक्राइबर बढ़ते दोस्तों, अपन भी लाइव आ सकते दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों आज के क्लास अपन यही एंड करते दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।